हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो क्लास थर्ड का जो है मैथ में हम जो है मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट ये आपको जो है सॉल्व करा जा रहा था क्लास फर्स्ट मैथ में। पेज नंबर आपका 153, पेज नंबर 153, ठीक है बेटा। पेज नंबर 153 इसमें आपका जो है ई था आपका, ई में आपको जो 5 क्वेश्चन था या तो वन फाइव थे। उससे पहले आपका डी था बेटा, डी में आपका 5 क्वेश्चन थे या तो जो है साल कराया गया था, ठीक है। और इसमें आपका 5 वाले क्वेश्चन में ए भी था, 5 क्वेश्चन में पर ए भी था, ए आपको कभी करा गया था, बी जो है आपको होमवर्क रूप में इससे करने के लिए दिया गया बेटा, ठीक है। तो उम्मीद है इसको आप जो है सॉल्व कर लिए होंगे। और आज जो है ई का आपका फर्स्ट है कैन यू मल्टीप्लाई पावर माइनस, ई का बेटा पहला, ई का पहला है कैन यू मल्टीप्लाई, कैन यू कैन यू मल्टीप्लाई ठीक है बच्चों, कैन यू मल्टीप्लाई टू फाइंड द सम ऑफ 2 + 2 + 3 क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। इसमें कहा गया कि कैन यू मल्टीप्लाई टू फाइंड द सम ऑफ 2 + 2 + 3, यानी क्या आप जो है मल्टीप्लाई करके जो सम मिला है उसका प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि इसको आप सम करेंगे तो आपको सम मिला 2, 2 और 3, ठीक है। इसको आप सम करेंगे तो आपका क्या होगा, ये आप कर देंगे और इसको ऐड करेंगे 2 + 2 + 3, इसको सम करेंगे तो आपका आएगा 7, ठीक है बच्चों। ये आपका ऐड करेंगे सम करेंगे 2 + 2 = 4 और 3 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 7। तो यही कह रहे हैं कि आप इसको मल्टीप्लाई करके भी इसके सम को प्राप्त कर सकते हैं, 7 प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर 2 + 2 + 3 है, 2 आपका 2 टाइम्स है, ठीक है, 2 आपका 2 टाइम्स है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं लेकिन प्लस नहीं करना होगा, प्लस नहीं करना, आप अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपका टूटा 4 3 आपका हो जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए आप किसी प्रकार के मल्टीप्लाई का समान को पूछी तो आप कहेंगे नो, जो बता अगर यहाँ पर हो जाता 2 मल्टीप्लाई टू तो हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस करना होगा, आपको जो है ठीक है करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे क्या करेगा, प्लस कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई को हम सकते हैं, 2 जो 2 टाइम्स है इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 जब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई को ठीक करेंगे तो आप हो जाएगा 12, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपका 2 रहता, अगर ठीक जगह आपका 2 रहता तो आप 2 मल्टीप्लाई को कर सकते थे, लेकिन 2 जा 4 जा आपका हाल में दिया था, इतना आंसर न आता, ठीक है। इसके लिए आप कैन मल्टीप्लाई फाइंड सम ऑफ 2 + 2 + 3 तो आप लिखेंगे नो, ठीक है, या जो है नहीं कर सकते, आप लिखेंगे आपका आंसर होगा नो, ठीक है। यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे तो आपको इतना सम आएगा, यहाँ पर 2 + 4 = 12, इतना आप लिखेंगे तो आपका आंसर होगा नो हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप जो है सबको नहीं प्राप्त कर सकते।
बच्चों समझ गए? अगर यहाँ पे टू आता टू मल्टीप्लाई कर तो सब आता है, ठीक है। इससे जो है आपका टू प्लस फोर आपका प्लस थ्री सेवन हो जाएगा, और इस तरह टू मल्टीप्लाई करके हम जो है सही क्लास में बैठे इसके सम को देखा नंबर ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो है आपका इसका आ जाएगा नो। नेक्स्ट आपका सेकेंड है, ई का सेकेंड है कितना पता का सेकेंड है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ of 5.3, ठीक
है 5 मल्टीप्लाई हो गया है। यहाँ पर रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 2 आपने कितना है आपका, ठीक है, नंबर जो आपका एक्सचेंज में जो हुआ है प्रोडक्ट आपको तक आएगा सेम आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे है दो ग्रुप, एक आपका दो ग्रुप बनाएंगे 5 5 का, ठीक है, और एक बनाएंगे 5 का 5 5 का टू ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, टू ग्रुप बनाएंगे 5। जैसे आपका यहाँ पर टू ग्रुप कर दें यहाँ से 5 का बोला करना है तो 1 2 3 4 एंड, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 1 5 5 5 3, ठीक है, तो 2 का जो है 2 ग्रुप बनेगा 5 का, ठीक है, प्लस कर दिया हमने क्या लिखा होगा 5 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई के लिए 2 ग्रुप बनेगा, ये ग्रुप यहाँ पर आपका एक ग्रुप आपका ये हो गया, ठीक है। आपको फिर बना सकते हैं तो इसको क्या करेंगे कितना करेंगे, ठीक है, सब 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 5 5 का 10 आएगा 10, ठीक है। और ऐसे ही आपका इधर से भी आपका 5 2 है, ठीक है, 5 2 यानी 5 5 का जो है, दो ग्रुप बनेगा 5 5 का, यहाँ 5 ग्रुप बनेगा दो दो का 5 2 यानी कि आपका 1 2, ठीक है, 1 2 प्लस प्लस लगाएंगे प्लस 1 2 प्लस 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 और फिर आपका प्लस जाएगा 2, ठीक है। इधर जो आपका 5 2 बनेगा था 2 का, यहाँ तक था 5 2 है 5 2 ऊपर जो आपका था 10, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 एंड 2 आपका 10, ठीक है। इसको जो है आप कर सकते शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 × 5 इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ 5 × 2 नेक्स्ट आपको तो दिया है क्वेश्चन नंबर 4, अंकुर से because two digits 3 and 2 3
Hi, do you agree? ठीक है, do you agree? क्या सवाल है? यहाँ पे कहा गया क्या कि ये जो अंकुर है, अंकुर शेष है, अंकुर कहता है कि क्या कहता है, 32 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 बिकॉज टू डिजिट 3, 2 एड टू 5। ठीक है, क्योंकि 3 और 2 जो है क्या बचे हैं, एड होकर के 5 बनते हैं। ठीक है, 3 और 2 अंक में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या आप इससे सहमत है? ठीक है, तो आप देखो बता कि 32 जो है आपका 5 का मल्टीपल है या नहीं। मल्टीपल आपको क्या होता है, इसका टेबल होगा 5 के टेबल में 32, जैसे 5 का टेबल आप करेंगे 5 ये मल्टीपल आप 5 करेंगे, यहाँ पर आप करते हैं हम इसके या फिर टू एल सी आई टी एल सी एल मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या होगा, 5 10 5 15 5 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
चार फाइव को टेबल प्रसिद्ध हो जाएंगे, आपको उसके मल्टीपल आपको मिल जाएगा। तो आपको 32 देखना है, करा के आपको सेट है 32 का मल्टीपल ऑफ 5 और 3 का इनपुट है 5 को भी देखिए, क्योंकि यहाँ बता कि जो जीरो डिजिट 3 और 2 है वो ऐड करके 5 हो जाएगा, इसलिए जो है क्या आप इससे सहमत है तो आप कहीं बता दो नहीं बता मल्टीपल में आपका 32 है ही नहीं, ठीक है। 32 आपका 35 के बीच में आएगा, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल का 5 नहीं है, ठीक है। आप क्या कहेंगे 32 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। 32 इज नॉट, 32 इज नॉट अ मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। 32 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, 32 जो है 5 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। और 3 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 5 होगा, इससे आप सहमत हैं तो आप कहेंगे नो, क्योंकि कहा जा रहा है 5 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 और क्योंकि 3 और 2 ऐड करते तो 5 रहता है, इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करेंगे डिग्री, तो आप कहेंगे नो, डू यू एग्री, तो आप कहेंगे क्या होगा नो, ठीक है। मैं एग्री नहीं हूँ या हम एग्री नहीं है, ठीक है बेटा। इस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है 2 और 3 को ऐड करके 5 हो जाएगा, तो ये एग्री कंप्लीट होगा, ठीक बच्चों। इस प्रकार व्यवहार कम्प्लीट करेंगे और इसमें आपका ई का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 5, ई में आपका लास्ट क्वेश्चन 5, आपको सॉल्व करना है।
बताइए एक्सपीरियंस प्रोडक्ट क्या है सी मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई टू क्या है जो आपका सिक्स मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट बिल्कुल सिक्स थ्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टू के समान है या किस तरह है इसे आपको कब करना है तो आप देखेंगे तो आप देखेंगे सिक्स मल्टीप्लाई और यहाँ पर देखूंगा थ्री मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई टू इस दोनों को सॉल्व करेंगे हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा सिक्स मल्टीप्लाई टू आप करेंगे तो सिक्स एट क्या आपका होगा फोर्टी एट कितना होगा 48 होगा आपका 48 होगा इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पर 38 करेंगे 38 तो आपका 24 मल्टीप्लाई टू करेंगे ठीक है मल्टीप्लाई टू कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 2 + 8 ठीक है दोनों में आप देख सकते हैं इसका प्रोडक्ट 48 और इसका क्या है 48 आज तो इसमें भी हमने बेटा इसको हमने एक और सी का मिलता किया है आप एस सी और टू का भी कर सकते हैं टू टू का आपको सिक्स में था सिक्स में चलाइए दो आपको सिक्स में चलाइए ठीक है तो दोनों आपको देख सकते बेटा क्या आया है प्रोडक्ट सेम आया है ठीक है प्रोडक्ट क्या आया है सेम 48 तो आप कहेंगे प्रोडक्ट क्या है सेम है बराबर आप देख सकते हैं आपने आज जो है क्वेश्चन नंबर ही जो आपका एग्जाम आज था उसमें 5 क्वेश्चन थे आपने इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो है आपको इसके आगे यह दिया है यह आपका कौन क्वेश्चन है तो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो बताया जाएगा तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।